हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने वीडियो में 2 रुपीज के कॉमेटिव कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन से कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप उस चैनल पे जाइए, वहां की वीडियोस देखिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2 रुपीज के कॉम्युनिटिव कॉइन की बात करने जा रहे हैं। वो कॉइन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर इस कॉइन की बात करते हैं तो इस कॉइन का जो थीम था वाटर फॉर लाइफ वर्ल्ड फूड डे था। इस कॉइन की हमारे पास बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सबने इमेजेस भेजी, कहा कि सर ये कॉइन हमारे पास रखा है, इसको हमें सेल करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमने सोचा एक इस पे अलग से वीडियो बनाई जाए कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको इस कॉइन के बारे में पता चल सके, उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इस कॉइन की मिंटेज कब हुई थी। अगर इसके मिंटेज की बात करें तो इसकी जो मिंटेज हुई थी ईयर 1994 में हुई थी। और कॉइन का जो मेटल होता है कॉपर निकल होता है। और दोस्तों, कॉइन का वेट जो होता है अप्रोक्स 6 ग्राम तक होता है। और कॉइन का साइज यानी जो कॉइन का डायमीटर होता है 26 mm तक होता है। अगर इस कॉइन के शेप की बात करेंगे तो ये 2 रुपीज का कॉइन 11 साइडेड शेप में होता है। आपने सबने देखा है जो भी कॉपर निकल के कॉइन्स आते हैं 2 रुपीज के, वो 11 साइडेड को होते हैं। और इस कॉइन की अब मेन से आती है कि वैल्यू कितनी है, क्योंकि किसी के पास भी अगर कोई भी पुराना सिक्का आता है, नोट आता है, तो मेन चीज होती है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसे सेल कहां करें। दोस्तों, पहले बात करें कि इस कॉइन को कौन कौन से मिंट ने बनाया था। इसमें आपका आता है बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट और हैदराबाद मिंट। ये 3 मिंट ऐसे थे जहां से ये कॉइन बने थे, यानी जहां से इन कॉइन की मिंटेज हुई थी। अब मेन चीज आती है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अगर आप बॉम्बे मिंट और कोलकाता मिंट कॉइन की बात करते हैं, अगर आपके पास कोलकाता मिंट का कॉइन और बॉम्बे मिंट का कॉइन है, तो ये कॉइन कॉमन होते हैं, इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। कॉमन सर्कुलेटिंग कॉम्युनिटिव कॉइन्स होते हैं इन कॉइन्स। अगर ये कॉइन्स आपके पास हैं बॉम्बे और कोलकाता मिंट वाले, तो इनकी जो वैल्यू होती है 5 रुपए से लेकर 7 रुपए तक होती है। और यूएनसी कंडीशन में यही कॉइन्स अगर आपके पास हैं तो 15 रुपए से 20 रुपए तक होती है इनकी वैल्यू। और डिपेंड करता है कॉइन की क्वांटिटी कितनी है, मतलब आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं और आप किससे ले रहे हैं। अगर आप एक कलेक्टर से लेंगे तो कलेक्टर आपको महंगा देगा, अगर आप डीलर से लेंगे तो वो हो सकता है थोड़ा सस्ते में देते। क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है और कॉइन की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जो कॉइन की वैल्यू होती है वो उसके कंडीशन पे और उसके ग्रेड पे और फिर उसके बाद से उसमें कितनी क्वांटिटी में आप ले रहे हैं, उस पर सब पे डिपेंड करती है चीजें, कॉइन की कितनी वैल्यू है। और उसके बाद से आता है आपको जो तीसरा मिंट आता है, वो हैदराबाद मिंट का कॉइन आता है। ये हैदराबाद मिंट वाले कॉइन होते हैं, इनकी वैल्यू 12 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच में होती है। ये थोड़े स्केयर्स कैटेगरी में लाया करते हैं, थोड़ी आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। और वही यूएनसी कंडीशन में अगर ये कॉइन्स आपके पास आते हैं तो इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी पुराना सिक्का यूएनसी कंडीशन में ज्यादा क्वांटिटी में प्रिजर्व नहीं हो पाया होता है। इसलिए यूएनसी कॉइन जो होते हैं उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, वो थोड़ी ज्यादा वैल्यू पे सेल हो जाते हैं। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दें, अगर आप में से किसी के पास पुराने सिक्के हैं, नोट्स हैं, जिनकी वैल्यू आपको पता करनी है, तो आप उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी दोनों मिल जाएगी, वहां पे अपने कॉइन्स की बहुत सारी इमेजेस सेंड करिए, आपको आपके जो कॉइन की जो वैल्यू होगी जरूर बताएंगे। और आपको एक और बात बता दें, हम अभी फिलहाल ना कोई कॉइन खरीद रहे हैं ना कोई कॉइन बेच रहे हैं, तो आप हमारे नाम पे अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट करता है कॉइन खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। और फिलहाल हम कोई भी कॉइन नहीं खरीद रहे हैं ना कोई कॉइन बेच रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे कॉइन्स हैं तो आप उसकी वैल्यू बस हमसे पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, दबा दें बेल बटन, जिससे कि हमारी वीडियोस आने वाली आप सबसे पहले देख सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते अपनी